हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं लार्वेल के बारे में। लार्वेल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है एंड इसे सीख कैसे सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम जानेंगे। एंड आपको लार्वेल सीखना है तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे चैनल है जहाँ से आप लार्वेल ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हो। क्या आप जानते हो कि PHP जो लैंग्वेज है, जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है एंड जनरली आप यूज़ भी करते होंगे, एंड जो MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक ऐसा डिज़ाइन है जिसके यूज से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बीच में आता है लार्वेल। ये एक ओपन सोर्स PHP वेब बेस्ड फ्रेमवर्क जो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न बनाया गया है, जिसका यूज करके कम से कम टाइम में वेबसाइट बना सकते हैं। इसे सबसे पहले टेलर ओटवेल ने जून 2011 में बनाया एंड इसके बीटा वर्जन को बाद में रिलीज किया गया। इसका यूज़ करना बहुत ही सिंपल एंड इजी है। लार्वेल फ्रेमवर्क को आसानी से सीख सकते हैं। अगर हमें सिंपल प्रोजेक्ट भी बनाने हो तो इसे इजीली बना सकते हैं। इसकी हेल्प से सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि इसे कैसे सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये बहुत ईजी है एंड इसके लिए आपको OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड MVC पैटर्न, MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोल पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। लार्वेल जो है वो कंपोजर, माइग्रेशन एंड आर्टिशन कमांड लाइन इंटरफेस के साथ MVC प्रोवाइड करता है। लार्वेल फ्रेमवर्क जेन कोड, इंटीजर, एक्सेट्रा जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसे सीखने के लिए कोर PHP एंड एडवांस PHP की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। लार्वेल को हम CI के रिप्लेसमेंट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लार्वेल जो है वो ब्लैड टेम्पलेटिंग इंजन भी प्रोवाइड करता है जो वर्क को ईजी कर देता है। अगर आपने अभी अभी लार्वेल सीखना स्टार्ट किया है एंड इससे पहले कभी आपने लार्वेल फ्रेमवर्क या अदर फ्रेमवर्क पर वर्क नहीं किया तो ये बहुत न्यू है, लेकिन आप इसे जैसे जैसे वर्क करते जाओगे आप इसे ईजीली सीख जाओगे। लार्वेल जो है वो आर्टिशन की सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस माइग्रेशन, हैंडलिंग इवेंट, डेटाबेस सेंडिंग एंड ईमेल सेंड करने के लिए बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लार्वेल के आर्टिशन कमांड की हेल्प से व्यू कंट्रोलर, मिडिलवेयर एक्सेट्रा हम बना सकते हैं। अगर हम लार्वेल के फीचर की बात करें तो जो कंपोजर है, इसका यूज डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए किया जाता है एंड लार्वेल को इंस्टॉल करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड जो है वो है क्वेरी बिल्डर। इसमें SQL क्वेरी को लिखे बिना ही कुछ क्लास एंड मेथड प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्वेरी बना सकते हैं। थर्ड है राउटिंग। इसमें हम रूट्स बना सकते हैं, जैसे हमें किसी क्वेरी पर कौन सा पेज ओपन करना है या किस कंट्रोलर को कॉल करना है, ये भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। फोर्थ जो है वो है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है वो डेटा मॉडल को कंबाइन करता है, जिससे हम PHP कोड को इजीली व्यू के साथ ब्लाइंड भी कर सकते हैं। ब्लेंड का खुद का कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप जैसे इफ या फॉर एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि आप लार्वेल कैसे सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब से लार्वेल सीखना चाहते हैं तो आप PHP इन हिंदी नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज में इसे ईजिली सीख सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो ट्रेवर्सी मीडिया नाम से एक और यूट्यूब चैनल है जो आपको इंग्लिश में लार्वेल बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। साथ ही आपको लार्वेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए जैसे CMS बनाना, टोडो ऐप बनाना, ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनाना, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाए। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट जरूर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो उस चैनल को भी आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। थैंक यू।